सूजी घोटाले पर आरोपियों के बरी होने पर आमने सामने बीजेपी और विपक्ष। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कांग्रेस पर हमला, बोले फैसले को सर्टिफिकेट ना समझे कांग्रेस। जेटली बोले सुप्रीम कोर्ट भी नीलामी की प्रक्रिया को मान चुका है गलत, 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में हुई थी गड़बड़ी। जिस दिन 1734 करोड़ रुपए में दिया हुआ स्पेक्ट्रम सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2012 में रद्द कर दिया था, और बाद में जो स्पेक्ट्रम नीलाम हुआ तो उसमें कितने गुना ज्यादा दाम मिला। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 2G घोटाले को बताया बीजेपी का प्रोपेगेंडा, खराब नीयत से बीजेपी ने लगाया आरोप। पी चिदम्बरम बोले आरोप साबित हुए निराधार, कपिल सिब्बल ने कोर्ट के फैसले को बताया लीगल जीत, बीजेपी और पूर्व सीए विनोद राय से माफी मांगने की मांग। एक लाख 76 हजार करोड़ का था 2G घोटाला, कोई दोषी नहीं, सीबीआई कोर्ट ने राजा और कनीमोजी समेत सभी आरोपियों को किया बरी। कोर्ट ने एक लाइन पर सुनाए फैसला, बोले पैसों का लेन देन साबित नहीं, सबूतों के अभाव का दिया हवाला। सरकारी वकील के आरोप साबित करने में रहे नाकाम, 6.5 साल बाद आया फैसला। सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी जाएगी हाईकोर्ट, पड़ताल और सबूत के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। कनीमोजी ने फैसले पर जताई खुशी, समर्थकों का किया धन्यवाद। फैसले पर सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट, बोले सरकार को अब हाईकोर्ट जाना चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा सबूतों के अभाव में आया फैसला, सरकार को सबूतों के साथ ऊपर की कोर्ट जाने की दी सलाह। कोर्ट के फैसले के बाद राजा के समर्थकों में खुशी की लहर, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक मनाया जश्न। ए राजा के घर पर समर्थकों ने फोड़े पटाखे, बांटी गई मिठाइयां। कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पहुंचे थे समर्थक, फैसले के बाद तालियों और नारेबाजी से गूंजा कोर्ट। पाकिस्तानी आर्मी को आई अकल, आर्मी चीफ ने दिए भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने के संकेत। पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर बाजवा का बयान, बोले पाकिस्तानी नेताओं से करेंगे भारत के साथ संबंध सुधारने की अपील, आर्मी करेगी समर्थन। सनत कमेटी के बंद कमरे में हो रही बैठक के दौरान आर्मी चीफ ने दिया बयान, आतंक विरोधी ऑपरेशंस और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों पर बोल रहे थे बाजवा। ट्रंप की धमकी के बाद आया आर्मी चीफ का बयान, ट्रंप ने पाकिस्तान को कहा था कि आतंकवाद पर करे कार्रवाई वरना अमेरिका बंद कर देगा फंडिंग। सनेट कमेटी मीटिंग में दिखा पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, एक ओर भारत से रिश्ते सुधारने के बाद दूसरी ओर आतंकी हाफिज सईद की तारीफ। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर तेज हुई बीजेपी की कवायद, शिमला में विधायकों की बैठक, प्रेम कुमार धूमल और जेपी नड्डा सीएम पद की रेस से हुए बाहर। हिमाचल के लिए पर्यवेक्षक के रूप में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन और नरेंद्र तोमर, धूमल के खेमे में 44 में से 22 विधायक। गुजरात में भी मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी, पर्यवेक्षक के तौर पर गांधीनगर जाएंगे जेटली, 22 दिसंबर को विधायकों के साथ बैठक। गुजरात के मेहसाणा में शुरू हुआ कांग्रेस का चिंतन शिविर, 23 दिसंबर को शामिल होंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ FIR दर्ज, 11 दिसंबर को इजाजत के बगैर रोड शो का मामला। 25 दिसंबर को पीएम मोदी के नोएडा दौरे की तैयारियां तेज, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मोदी करेंगे जनसभा। पीएम की अगवानी के लिए नोएडा जाएंगे यूपी के सीएम योगी, नोएडा दौरे से जुड़े अंधविश्वास के बावजूद दौरा। बिहार सरकार की खनन नीति के विरोध में आरजेडी का बिहार बंद, कई इलाकों में लगा जाम और आगजनी। बिहार बंद में आरजेडी नेताओं ने रोकी ट्रेनें, सड़कों पर चक्का जाम। नई खनन नीति पर नीतीश सरकार ने लिया था यूटर्न, 2013 में बनी खनन नीति का पालन करने का दिया फरमान। बिहार के गोपालगंज में चीनी मिल में बड़ा हादसा, सासामुसा मिल में बॉयलर फटने से 5 की मौत।
हादसे में 9 मजदूरों के जख्मी होने की खबर। गोपालगंज अस्पताल में भर्ती कराए गए मजदूर। ससम सम्मेल में कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका। 3 मजदूरों को भेजा गया पीएमसीएच। बीती रात 11:15 बजे की घटना। बॉयलर टैंक में जाने वाली बॉयलर पाइप फटे से झुलसे मजदूर। चीनी मिल में चल रहा था गन्ना पेराई का काम। मौके पर पहुंचे पुलिस और आला अधिकारी। आजमगढ़ में राम जन्मभूमि के न्यास के सचिव सुरेश दास जी महाराज का ऐलान। 2018 में बनना शुरू हो जाएगा राम मंदिर। में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी हैं, प्रांत में योगी जी हैं, राष्ट्रपति अपने हैं और अब इनकी कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी कि हमारे पास बहुमत नहीं है तो फलना नहीं है। अयोध्या कार सेवकपुरम के प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा भीषण ठंड में बिना गर्म कपड़े के हैं रामलला, हीटर की भी मांग। राजस्थान के प्रतापगढ़ में क्रिसमस फेस्टिवल में धूम पर बवाल, धर्मांतरण का आरोप लगाकर तोड़फोड़। राजस्थान के जोधपुर में सलमान और शिल्पा के खिलाफ प्रदर्शन, वाल्मीकि समाज के लोगों का विरोध। फिर से जनता के लिए खोल दिया गया दिल्ली के शालीमार बाग का मैक्स अस्पताल। जिंदा बच्चे को मरा बताने पर सरकार ने रद्द किया था लाइसेंस। दिल्ली के वित्त कमिश्नर ने लगाई मैक्स पर का लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर रोक। एलजी बोले उनके दफ्तर का नहीं कोई लेना देना। मैक्स पर गरमाई सियासत, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से दागे सवाल। मनोज तिवारी के घर पहुंची कितनी अटैचियां। आम आदमी पार्टी के वार पर बीजेपी का पलटवार, कहा केजरीवाल बताए कितने की हुई डील। मैक्स अस्पताल के फिर से खुलने की खबर से गुस्से में पीड़ित परिवार, अस्पताल के बाहर बैठे धरने पर। गाजियाबाद में 11वीं के छात्र ने 10वीं की छात्रा को मारी गोली, बाद में खुद को भी किया जख्मी। चश्मदीदों के मुताबिक एक ही स्कूटी पर आए थे दोनों, आपस में बहस के बाद लड़के ने की फायरिंग। घायल लड़की की हालत बेहद गंभीर, आरोपी के पास था अपने पिता का लाइसेंस से रिवॉल्वर। यूपी के मुजफ्फरनगर में हथियार दिखा, युवती को सरेआम किया गैंग रेप के बाद फरार। यूपी के बांदा में छेड़छाड़ की शिकायत पर बदमाशों का बदला, पीड़ित के घर पर ईंट और पत्थरों से हमला। आजमगढ़ में अवैध तरीके से ले जाए जा रहे 27 बैलों को पकड़ा, एक तस्कर गिरफ्तार, 3 फरार। गड्ढा मुक्त यूपी के दामों के बीच जानलेवा हो रही है सख्ती। रायबरेली में ऑटो पलटा, एक बच्चे की मौत, 4 घायल। मुरादाबाद में प्राइवेट नर्सिंग होम चलाने वालों पर इनकम टैक्स का शिकंजा, इलाके के अनुष्का अस्पताल पर छापेमारी। बुलंदशहर में प्रदूषण नियंत्रण विभाग की पहली बड़ी कार्रवाई, 4 फैक्ट्रियों को किया सील। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदूषण विभाग को दिखाया आईना, इंडस्ट्रियल इलाके में घुमाकर बताई हकीकत। राजस्थान के अलवर में मंत्री हेम सिंह भड़ाना के बेटों की दबंगई, युवक को बंधक बनाकर पिटाई का आरोप। दिल्ली के संसद मार्ग पर एलआईसी बिल्डिंग में आज दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने 5 लोगों को किया जख्मी। दिल्ली के कमलानगर मार्केट से चोरों ने उड़ाए करीब 25 लाख के एलईडी टीवी, 2 गार्ड को बनाया बंधक। दिल्ली के दया सिंह इवनिंग कॉलेज में नाम फिलहाल नहीं बदलेगा, संसद में बहस के बाद मानव संसाधन मंत्रालय का फैसला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अस्पताल की संवेदनहीनता, गरीब बुजुर्ग की बिना इलाज ठंड की वजह से गई जान। अस्पताल के कर्मचारियों ने बुजुर्ग को ठेले पर भेजा रैन बसेरा, ठंड से ठिठुरते हुए बुजुर्ग ने तोड़ा दम। बिहार के नवादा में ट्रैक्टर के चक्के में फंसा मजदूर का पैर, करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला बाहर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोचिंग सेंटर के बाहर 2 युवकों को मारा चाकू, भीड़ ने आरोपियों को पीट कर किया पुलिस के हवाले। यूपी के बस्ती में सत्यलोक आश्रम के बाबा सच्चिदानंद उर्फ दयानंद पर 4 साध्वियों ने लगाया रेप का आरोप, बंधक बनाकर रखी जाती हैं लड़कियां। जंगली जानवरों से रक्षा के लिए कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, डमरू बजाकर वन संरक्षक को दिया ज्ञापन। लखनऊ चिड़ियाघर में राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क बनकर तैयार, 28 तरह की है तितलियां।
पंचकुला में पार्क में बनी फूलों की घड़ी जीपीएस के जरिए कर दिएगा। चेन्नई में एआईएडीएमके ने मनाया क्रिसमस समारोह, सीएम और डिप्टी सीएम दोनों शामिल। बेंगलुरु में क्रिसमस से पहले सालाना केक शो का आयोजन, गेटवे ऑफ इंडिया सहित कई थीम पर बने केक। दिल्ली में आज विराट और अनुष्का शर्मा का रिसेप्शन, पीएम मोदी भी गेस्ट में शामिल। दिल्ली के होटल ताज में रिसेप्शन पार्टी, कई पॉलिटिक्स से लेकर खेल जगत की हस्तियां को न्योता। रानी मुखर्जी की नई फिल्म हिचकी के स्क्रिप्ट राइटर को लेकर विवाद, निशांत कौशिक ने किया दावा। सैफ और करीना के बेटे तैमूर का पटौदी महल में मना जन्मदिन, करिश्मा कपूर ने इंस्टाग्राम पर डाली तस्वीर। फिल्म आज से तेरी के पहले गाने की धूम लॉन्च, फिल्म में अक्षय कुमार और राधिका आप्टे। अपने स्कूल के स्पोर्ट्स डे पर पहुंची अभिनेत्री आलिया भट्ट, होनहार बच्चों से की मुलाकात, उज्जवल भविष्य की कामना की। चिली में एक कीचड़ के सैलाब की हवाई तस्वीरें, एक गांव के 14 लोगों की हुई मौत। नेपाल के वीरगंज में फैक्ट्री में आग, दो लोगों की मौत। ब्रिटेन में आयोजित हुई वर्ल्ड पाई ईटिंग चैंपियनशिप, पूर्व विजेता मार्टिन क्लेयर ने एक बार फिर मारी बाजी। लंदन में नॉर्वे के संगीतकार गानों का परफॉर्मेंस, बर्फ में बनाया वाद्य यंत्र। पेरिस में क्रिसमस की शॉपिंग की धूम, 5 लाख खिलौनों के साथ सजा शहर का सबसे बड़ा स्टोर। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।